तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त कब मिलेगी, ये हर एक किसान के मन में अभी सवाल चल रहा है। हर एक किसान यही कमेंट करता है कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त कब मिलेगी। आज आपको इस वीडियो में एक क्लू देने वाला हूं जिससे आपको पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की डेट का पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और मैं आपसे भी किसान भाई को बता दूँ, आज है 31 दिसंबर जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी साल का लास्ट दिन है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो 17 अक्टूबर को जारी की गई थी। उसके बाद बहुत सारे किसान कयास लगा रहे थे कि 1 जनवरी 2023 को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है। यानी मैं आपको कन्फर्म बता देता हूं, 1 तारीख को किस्त नहीं आएगी। और पिछली बार की बात करें तो पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो 1 जनवरी 2022 को जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार 1 जनवरी 2023 को किस्त जारी नहीं होगी, क्योंकि 1 जनवरी कल ही है और अभी तक कोई भी संभावना नहीं और कोई भी मोदी जी का कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है। आपको पता है कि जब भी किस्त जारी की जाती है तो प्रधानमंत्री जी अपना एक शेड्यूल तैयार करते हैं, अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर एक शेड्यूल और कार्यक्रम के दौरान ही पीएम किसान योजना की किस्त जारी करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 12वीं किस्त जारी हुई थी 17 अक्टूबर का, उसका भी नोटिस लगा हुआ है, अगली किस्त का कोई भी नोटिस नहीं लगा हुआ है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में एक क्लू दे देता हूँ जिसमें पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जो तारीख है वो साफ साफ बताई गई है, चलिए उसी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, यह तस्वीर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 13वीं किस्त को लेकर जारी की गई है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने शेयर की है, यानी बीजेपी के किसी मेंबर ने शेयर की है, जो हमें सोशल मीडिया पर कहीं भी देखने को मिल जाएगी, आप भी देख सकते हैं। और मैं आपको इस तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूँ। इस तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर 10 करोड़ से अधिक किसानों को नए साल का उपहार। आगे लिख रखा है, पूरी जानकारी आप देख लीजिए, 15 जनवरी तक जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। नीचे लिखा है, 10 करोड़ प्लस खातों में जमा किए जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये। और यहाँ पर यह चिन्ह है बीजेपी का, लेकिन यहाँ पर यह तस्वीर शेयर की गई है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा शेयर की गई है। इससे आप सभी किसान भाई और हम कयास लगा सकते हैं कि पीएम किसान योजना की जो अगली 13वीं किस्त है वो 15 जनवरी बाद ही जारी होगी, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स तारीख नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, 15 जनवरी तक जारी हो सकती है, यानी 15 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी या फिर हो सकता है कि 20 जनवरी भी हो सकता है या फिर उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन एक संभावित तिथि है वो 15 जनवरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताई है, लेकिन कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आधिकारिक घोषणा है, यह सिर्फ पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त को लेकर है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक सूचना जारी की है, लेकिन कोई आधिकारिक तारीख अभी तक जारी नहीं की है। इससे हम भी ये कयास लगा सकते हैं कि नई साल पर 1 तारीख को किस्त जारी नहीं होगी और 1 तारीख को नहीं बल्कि 10 तारीख तक भी किस्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 5 से 7 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल तैयार हो जाता है। अभी तक अगले किस्त को लेकर कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है, कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 15 तारीख या फिर 20 जनवरी के समथिंग किस्त जारी हो सकती है या फिर 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री जी किस्त जारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको में किसी को पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना 13वीं किस्त कब मिलेगी। धन्यवाद।